से भी रमेश जी के द्वारा जो फंड दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 2,51,000 रुपये रमेश जी ने पीएम केयर फंड में दिए हैं और 2,51,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उन्होंने कल जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हाथ में चेक देके सौंपे हैं। उसके पीछे उनकी एक सोच है। वो पिछले जितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, वो आर्थिक रूप से मास्क बांट के, वो बड़े ज़मीनी आदमी हैं। उन्होंने ये देखा कि जो बैंकों के बाहर जो लोग 500 रुपये और जनधन और इस सब योजनाओं के लिए लाइन लग रही है, तो वो जगह जगह जहां बैंकों के बाहर लाइन लगती है वहां मास्क बंटवा रहे थे। उनके घर से कोई भी आ गया, किसी ने कहा साहब मरीज़ है, आर्थिक मदद चाहिए, जो भी हो सकता था। हालांकि आजकल वो खुद भी बीमार हैं, उनकी पत्नी भी बीमार हैं, पता नहीं क्या सहयोग है, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की। दूसरी सोच उनकी ये थी, इसको जो सरकार को पीएम केयर में और मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देना था कि पीपीई जो किट्स हैं जो डॉक्टर्स को अवेलेबल होनी है, और जो सरकार जो सिलेंडर दे रही है, जो सरकार गल्ला दे रही है, जो सरकार चेकिंग किट्स मंगा रही है, जो सरकार हर तरीके से गरीब लोगों को, मरीज़ों को हर चीज़ मुहैया करा रही है, उसके लिए सरकार को भी एक पैसे की ज़रूरत है। ये सोचते हुए उन्होंने डीएम साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के थ्रू ये 5,02,000 रुपये सरकार को देने की एक बढ़िया कोशिश की है, जिसकी मैं बहुत ही सराहना करता हूँ और वो बड़े बधाई के पात्र हैं। तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टी से मुझे तो नहीं नज़र आता। ना उनकी गाड़ी पर कोई झंडा है, ना उनके घर पर कोई झंडा है, ना उनके पास कोई पोर्टफोलियो है। वो एक व्यापारी हैं और बड़े छोटे से उन्होंने शुरुआत की है, ये हम आप सब लोग जानते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं और किसान हैं और मेहनती बहुत हैं। दिनों रात अपने उस व्यापार के लिए वो ठेकेदारी का बिजनेस करते हैं। सत्य साई बिल्डर्स के नाम से उनकी फर्म है, आप लोग देखते होंगे, दिनों रात उसी की भागदौड़ में लगे भी रहते हैं। कहीं अभी कोई राजनीतिक जुड़ाव मैंने उनका कहीं देखा नहीं। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और मुझे भाई की तरह मोहब्बत करते हैं, तो अभी राजनीतिक कोई मतलब। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों को भी ध्यान में रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्षेत्रीय लोग तो उनसे जुड़े हुए ही हैं। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं क्षेत्र के, वो उनकी हर संभव प्रयास करते हैं मदद करने की। किसी को अगर कोई मरीज़ को कहीं ले जाना चाह रहा है तो उसके लिए मदद करने के लिए वो तैयार खड़े हुए हैं। किसी को अनाज दे रहे हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। पता लगा मैं कह दूं कि वो अनाज बांट रहे हैं, तो 3,00,000 लगभग वोटर है इस विधानसभा में, कितने लोगों को अनाज बांट सकते हैं? वो तो सरकार बांट रही है, सरकार के हाथ बटाने के लिए उन्होंने एक राशि दी है। ठीक है, थैंक यू।